बोलिए श्री वृंदावन हरिहर की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए संत समाज की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलिए भक्त समाज की जय। आइए सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी को हृदय में विराजमान करके अपनी जिभ्या को पवित्र करते हुए हरि नाम दो घड़ी के लिए गुनगुनाइएगा। आइए भाव के साथ कि मन बस गए नंद किशोर बसी गई नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में मन बसी गई नंद किशोर किशोर अब जाना नहीं कहीं और
शिवा की बिहारी लाल की जय श्री राधा बल्लभ सरकार की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री संत समाज की जय भक्त समाज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम भागवत जी के सम्मुख विराजमान श्री ठाकुर जी के भक्त यहाँ मंदिर के प्रांगण में जितने भी भक्त आवास सुन रहे हैं, भक्त समाज व संत समाज, यहाँ से बाहर जितने भी श्रोताओं के कानों में आवाज जारी है, सभी को व्यासपीठ की ओर से हाथ जोड़ करके भाव भरा राधे राधे। आपको आवाज आ रही है तो राधे राधे बोलना एक बारी। शायद आपके यहाँ बैन लगा रखा है, किसकी सरकार है? आइएगा, कल आप सभी ने श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रथम दिवसीय भागवत जी में स्नान किया और आज तृतीय दिवस की कथा को आरंभ करते हुए कल आप सभी ने सुना कि श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं कि ये कथा केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि भूत प्रेत आदि को भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। और उसके उदाहरण के लिए एक कथा भी सुनाई कि किस तरह से गोकर्ण महाराज जी ने धुंधकारी को कथा श्रवण कराई और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं ऋषियों, सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को और सनकादि ऋषियों ने नारद जी को यह कथा श्रवण कराई है। इस तरह इस कथा का प्रचार और प्रसार आगे बढ़ता है। भागवत जी में स्तुति की गई कि हर मनुष्य के जीवन में हर इंसान के जीवन में सत्य बोलना परम आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत समाज कहती है, भक्त समाज कहती है कि हर इंसान को जीवन में सत्य अपनाना चाहिए, लेकिन आप खुद से लगा लीजिए कि आप जीवन में कितना सत्य बोलते हैं। कल भी आपने सुना कि आजकल तो झूठ ही लेना और झूठ ही देना, कोई सत्य नहीं बोलता। लोग असत्य को तो स्वीकार करते हैं परंतु सत्य बोलने में सबको हेजिटेशन होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म ना दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। ये मैं नहीं कहती, ये हमारे वेद पुराण कहते हैं। लेकिन आजकल कलयुग में एक ऐसी बीमारी चल गई जो इंसान ना चाहे भी झूठ बोल देता है। और वो कौन सी बीमारी मालूम है? सबके पास होगा, उसको कहते हैं फोन, टेलीफोन, मोबाइल फोन। इंसान होता कहीं और बताता कहीं है। और जब भी आपके पास फोन आता है तो फोन जब अटेंड करते हैं तो क्या बोलते हैं? फोन उठाते हो क्या बोलते हो? कुछ भी नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो फोन उठाते टाइम? हेलो बोलते हो कि नहीं? क्या बोलते हो? खा के नहीं आएंगे? खाते पीते नहीं हो? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। मतलब आप जब भी फोन उठाते हैं तो बोलते हैं हेलो। हेलो अब पता ही है हेलो कौन था या कौन थी? जब
फोन का आविष्कार हुआ। जब फोन का आविष्कार किया तो जिसने फोन का आविष्कार किया उसने दो फोन निर्माण किए, एक अपनी पत्नी को दिया और एक खुद रखा। तो वो अपनी पत्नी को बोला कि मैं फोन करूंगा तुझे और तू चेक करना आवाज आएगी या नहीं। तो उसने फोन किया, उसे कुछ पता तो है नहीं कि क्या बोलना है। तो उसने अपने पत्नी को फोन करके अपनी पत्नी का नाम लिया। उसकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था? तो उसने अपनी पत्नी का नाम बोला हेलो। अब एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये आविष्कारक था फोन का और इसकी पत्नी का नाम था हेलो। अब जिसने आविष्कार किया वो भी मर गया, उसकी पत्नी भी मर गई और हम लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, फोन उठाते टाइम कहते हैं। तो क्या आज के बाद हेलो बोलोगे? अगर किसी का फोन आता है तो आप उसे राधे राधे बोल सकते हो, राम राम जी बोल सकते हो, जय श्री कृष्ण बोल सकते हो, जय श्री श्याम बोल सकते हो। अगर आप किसी पर नारी का नाम लेंगे, किसी पर त्रिया का नाम लेंगे, जितने भी यहाँ भाई बंधु बैठे सभी हेलो बोलते हैं, तो क्या जो ग्राहम बेल है वो भूत प्रेत बन के नहीं आएगा सपने में? आप उसकी पत्नी का नाम लेते हैं बार बार। तो आज के बाद हेलो नहीं बोलना, आज के बाद राधे राधे। आप फोन अटेंड करोगे राधे राधे और काम हो जाने के बाद बोलोगे भैया राधे राधे, तो आप कितनी बार भगवान का नाम ले सकते हो? तो इसीलिए आज के बाद जब भी फोन अटेंड करना तो क्या बोलोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। थोड़ा सा खा पी के आया करो माता हूँ, तो आज के बाद राधे राधे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग चला हुआ है और कलयुग में लोग सत्य कोई नहीं बोलना चाहता, लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। और किसी संत ने कहा है अगर झूठ बोला तो पता क्या होगा? हमारे ब्रज संत कहते हैं अगर झूठ बोलते हैं तो जीवन में क्या होता है कि झूठ बोले भजन ना गाए, ऐसे पापी से डरियो तू यम के डंडे खाएगा बस देख। अरे झूठ बोले भजन ना गाए, ऐसे पापी से डरियो गाओ तू यम के डंडे खाएगा बस देखता रहियो। अगर यम के डंडों से बचना है तो झूठ मत बोलना, क्योंकि तू राम नाम नहीं गाएगा तो बहुत घना पछताएगा, ये समय हाथ नहीं आएगा, जैसा आया वैसा जाएगा। अरे हरि भजन में बैठ के भक्तों, अरे हरि भजन में बैठ के बहनों तुम शोर ना करियो, फिर तू यम के डंडे खाएगा बस देखता रहियो। अगर राम नाम नहीं गाया तू श्याम नाम जब गाएगा तो सर्व सुखी हो जाएगा, तुझे बिन मांगे मिल जाएगा, तुझे बहुत माल मिल जाएगा। अरे प्रेम से बोलो राधे बोलो भव सागर से तरियो, और नहीं तो ना तो यम के डंडे खाएगा तुम देखते रहिए। इसीलिए जीवन में कभी झूठ मत बोलना। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को समझा रहे हैं, ऋषियों आप नाना प्रकार की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज को ऋषियों ने
छह प्रश्न किए और पूछा महाराज आप तो ज्ञान वर्धक हैं, ज्ञान देने वाले हैं, आपके ज्ञान देने से करोड़ों का अज्ञान दूर हुआ है, लेकिन आज हमारे मन में कुछ प्रश्न है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों कहिए, ऋषिगण कहते हैं महाराज, पहला प्रश्न की कल्याण क्या है, दूसरा प्रश्न कि कल्याण का साधन क्या है, तीसरा प्रश्न करते हैं कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान देवकी के पुत्र कैसे हुए, भगवान जन्म कैसे ले सकते हैं, चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं, कोई 10 अवतार कहता है, कोई 12 अवतार कहता है, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो बताएं कि भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न करते हैं कि भगवान का जब अवतार हुआ तो भगवान ने धरा धाम के ऊपर क्या क्या लीलाएं की, और छठा प्रश्न करते हैं कि जब भगवान ने समस्त लीलाओं का समापन किया और भगवान के परम राम जाने पर धर्म किसकी शरण में आया। ये 6 प्रश्न श्री सूत जी महाराज से आज ऋषिगण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए, इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करना चाहता हूँ। कौन से सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए, संन्यास धारण कर लिया, सबसे रिश्ते नाते तोड़ लिए, उन श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करना चाहता हूँ। आइए भाव के साथ हम भी वंदन करें। यम प्रवजन्तम् नुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहाकातरया पुत्रीति तन्मये दयातरो विनीदुस्तम् सर्वभूतहृदयम् मुनिमा सुखदेव जी महाराज जिन्होंने जन्म लिया, जंगल की ओर चले, पीछे पीछे श्री वेद व्यास जी महाराज चलते आ रहे हैं, हे बेटा हमें छोड़कर मत जा, हे पुत्र हमें छोड़कर मत जा, वो सुखदेव जी महाराज, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो श्री सुखदेव जी महाराज जिनको एक एक स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है, जिनको कुछ नहीं मालूम, जंगल की ओर चले, पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार इस श्लोक का मतलब भी समझाया कि एक बार गोलोक धाम में श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, तो वहां एक शुक उड़ते हुए जाता है, तोता उड़ते हुए जाता है, वो तोता उड़ के बैठ गया राधा रानी के हाथ पे और जोर जोर से कहता है राधे 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 राधे। अब जब तोते के मुख से राधा रानी ने अपना नाम सुना तो तोते को कहते हैं, बोले अरे शुक तू राधे राधे मत बोल, तू कृष्ण कृष्ण बोल। तो वो तोता उड़ा और उड़के भगवान श्री कृष्ण के हाथ पे जाके बैठ गया। हाथ पे जाके बैठा तो भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कहता है कृष्ण 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 कृष्ण। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे शुक तू कृष्ण कृष्ण मत बोल, तू राधा राधा बोल। अब शुक्र उड़ के राधे रानी के हाथ पे बैठे तो राधे कहे तू कृष्ण कृष्ण बोल, और कृष्ण के हाथ पे बैठे तो कृष्ण कहे तू राधे राधे बोल। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई और राधे रानी ने प्रसन्न होकर इस तोते को 18,000 श्लोक श्रवण कराए।
सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने राधे रानी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है। यम प्रवजन्तम नुपेतम रपेत कृत्यम। इसी श्लोक का साधारण से शब्दों में अर्थ कौशिक संहिता में बताया है कि एक बार माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। अब नारद जी को तो आप जानती हो, नारद जी के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र रहता है? बोलो। तो नारद जी अपनी वीणा लिए और श्रीमद् नारायण नारायण हरि गाते हुए ब्रह्मांड में कीर्तन कर रहे हैं। तो नारद जी के मन में एक रोज भाव आया कि चलो आज कैलाश पर्वत पे चलते हैं। तो कैलाश पर्वत पे गए, माता पार्वती बैठी हुई थी। माता पार्वती के पास गए, बोले भैया राधे कृष्ण सब कुशल मंगल है? बोले हाँ नारद जी सब कुशल मंगल है। बोले भगवान शिव कहाँ है? बोले वो तो मुझे नहीं बता के गए कि कहाँ गए हैं। तो नारद जी कहते हैं, बोले मैया इसका मतलब भगवान शिव आपको प्रेम नहीं करते। अगर आपको प्रेम करते तो बता के जाते कि कहाँ गए हैं। तो मैया के मन में एक शंका हुई कि शायद नारद जी सही कह रहे हैं। तो नारद जी ने एक और प्रश्न किया, बोले अच्छा मैया ये बताओ क्या आपके स्वामी आपको सच में प्रेम करते? बोले हाँ बहुत प्रेम करते। बोले मैया फिर ये बताओ कि जो भगवान शिव के गले में 108 मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं? अब मैया पार्वती को इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं पता था। अब तो महाराज मैया पार्वती बोले महाराज इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं पता। बोले इसका मतलब तो अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भगवान आपको प्रेम नहीं करते। अब तो मैया को क्रोध आया। अब नारद जी इतनी बात कह के मैया पार्वती से और अपनी वीणा उठाई वहां से। संत समाज कहती है, बोले नारद कौन जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद। और देखो सतयुग में द्वापर में त्रेता में तो एक ही नारद थे और कलयुग में घर घर में नारद है। जो इधर की बात इधर से और इधर की बात नारद ही नहीं मैयाएं भी बड़ी एक्सपर्ट हैं। दो चार तो उदाहरण के तौर पे यहां भी विराजमान होंगे। तो नारद जी तो अपना काम करके चले गए। अब भगवान शिव कहीं से घूम के आए और दिन आते तो मैया पार्वती उनकी सेवा में उपस्थित रहती। लेकिन आज मैया क्रोध में बैठी हुई है। भगवान शिव कह रहे हैं अरे पार्वती राधे राधे। बोले अरे महाराज आप हमको प्रेम नहीं करते। बोले अरे कैसी बातें कर रही हो? बोले अगर हमसे प्रेम करते तो आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महाराज आप तो बाहर से भी काले हो, रंग के भी काले हो और मन के भी काले हो। बोले आज क्या बात हो गई? तो मैया पार्वती कहती है महाराज अगर आप हमसे प्रेम करते तो आप हमें बताते कि आपके गले में जो मुंड है आखिर वो किस किस है। तो भगवान शिव ने जैसे ही सुना, भगवान शिव की आंखें नम हो गई। बोले जानना चाहती हो किसके मुंड है? बोले आपने जितने जन्म लिए अभी तक आपके जितने जन्म हुए आपकी याद हमें बनी रहे इसलिए हम तो आपके मुंडों की माला बना करके अपने गले में धारण किए हुए घूमते हैं और आप कहते हो कि हम आपको प्रेम नहीं करते। मैया पार्वती ने जैसे ही सुना आंखों से आंसू बहने लगे और हाथ जोड़कर के भगवान शिव के चरणों में बैठ गई और कहने लगी महाराज आखिर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाते हो जो हम तो इतनी बार मर चुके और आप अमर हैं? कोई ना कोई कारण तो होगा। बोले जानना चाहती हो कारण क्या है? तो सुनो हमने अमर कथा का पान किया हुआ है।
मैया पार्वती हाथ जोड़ के बोली, महाराज अगर आपने अमर कथा का पान किया है तो वो अमर कथा है कौन सी? वो अमर कथा तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, आप मेरी अर्धांगिनी हैं, आप आदि शक्ति हैं, आप सुनना चाहती हैं। तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती को विराजमान करते हैं अपने सम्मुख। आज वक्ता के रूप में भगवान शिव बैठते हैं और श्रोता के रूप में माँ पार्वती बैठी हुई है। एक ताली बजाई भगवान शिव ने, जितने भी पक्षी कैलाश के ऊपर थे वो सब उड़ गए, लेकिन वहां एक अंडा पड़ा रह गया। भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करते हैं, कथा के प्रवाह से अंडा फूट गया, अंडे के अंदर से एक शुक निकला। भगवान शिव के पीछे वो शुक कथा श्रवण कर रहा है। भगवान शिव को मालूम नहीं है, अब तो माँ भवानी आराम से कथा श्रवण कर रही हैं। भगवान शिव ने कहा था कथा के आरंभ में कि जब मैं आपको कथा श्रवण कराऊं तो मुझे पता चलता रहे कि आप कथा श्रवण कर रही हैं, इसीलिए आप हुकरा देते रहना, यानी हु करते रहना। जब भी कोई मैया अपने बच्चे को कोई भी कहानी सुनाती, आजकल तो कहानी कोई सुनता ही नहीं और ना मैयाओं के पास इतना समय होता है, तो जब भी कोई मैया अपने बच्चे को कहानी सुनाती है तो कहती है ना बेटा हु करते रहना। तो वैसे ही माँ पार्वती को बोले तुम हुकरा देते रहना ताकि मुझे पता चलता रहे तुम्हें कथा सुन रही हो। अब कहते हैं कि कथा तो इतनी मीठी होती है कि कथा के अंदर नींद आने लगती है। मैया को तो बड़ा आनंद आया, मैया कथा सुनते सुनते उनकी आंखें बंद होने लगी और देखते ही देखते मैया, अब भगवान शिव को तो नहीं पता, अब उस शुक ने सोचा कि अगर मैया हुकरा देना बंद कर देगी तो भगवान तो कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो शुक ने सोचा कि मैं ही हु करते रहता हूँ, तो अब मैया की जगह वो तोता हु कर रहा है। भगवान शिव को लग रहा है कि हाँ कथा सुन रही है। अब भगवान शिव कथा श्रवण करा रहे हैं, आनंद के साथ कथा चल रही है। जब कथा बारहवें स्कंद पर पहुंची और भगवान ने एक जयकारा लगाया, बोलिए शिवा की हरिलाल की जय। और जैसे ही जयकारा लगाया तो मैया की नींद टूट गई। कथा में भी होते ना, जब जयकारा लगे या भजन होता है तब दो तीन माताओं की नींद टूटती है और बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे। तो वैसे ही माता पार्वती की नींद टूटी और भगवान शिव को कहती है, महाराज अभी तो आप महाराज का प्रसंग सुना रहे थे लेकिन इतनी जल्दी भगवान अपने परम धाम कैसे चले गए? बोले अरे पार्वती, मैंने तो संपूर्ण कथा सुनाई, क्या तुमने कथा नहीं सुनी? मैया बोली, महाराज मैंने तो कथा सुनी नहीं। भगवान शिव माँ पार्वती को किस तरह कथा श्रवण कराए, आइएगा भाव के साथ श्रवण करते हैं। कि अमरनाथ पे अरे महादेव जी और महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा तो त्रिपुरा उमा के तो पड़ गए सोता, यानी मैया सो गई हुकरा दे रहा तोता। भाव के साथ गाइएगा, अरे महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने कौरा तो त्रिपुरा उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता।
तो फिर हो की आवाज किसकी थी? बोले महाराज मुझे तो पता ही नहीं। फिर कहने लगे शंकर जी, कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी और जिसने भी कथा सुनी मैं उसका जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो वो छोटा सा शुक बेचारा डर गया। अब भगवान शिव ने अपनी दाईं ओर देखा तो कोई नहीं, बाईं ओर देखा तो भी कोई नहीं, सम्मुख माता विराजमान है। और जो पीछे मुड़ के देखा तो अब तो तोता की हालत खराब, बेचारा डर की वजह से उड़ने लग गया। अब तो आगे आगे तोता और पीछे पीछे, अरे आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिव भंडार घुमाते पड़े सोता, घूमते आगे तोता घुमाते पड़े सोता, घूमते आगे तोता।
अब तो आगे आगे तोता और पीछे पीछे कौन कौन, पीछे पीछे भगवान शिव और अपना त्रिशूल लेके आ रहे हैं। आज नहीं छोड़ो। कुछ संत कहते हैं, बोले कि जो शुक है उसने कथा तो श्रवण की, आखिर उसने अपराध क्या किया? अपराध कोई नहीं किया, लेकिन पीछे बैठ के कथा श्रवण की। और कहते हैं जब भी कथा श्रवण करें तो व्यास पीठ के सम्मुख भक्तों का विराजमान होना चाहिए। छुपके से कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जब भी भगवान शिव ने कथा सुनाना आरंभ किया था तो एक ताली बजाई थी और सबको उस ताली के माध्यम से संबोधित किया कि मैं मां भवानी को यानी गौरा जी को कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। अगर किसी को सुनना है तो वो पीछे बैठ के ना सुने, सम्मुख बैठ के सुने, लेकिन उसने छुपके से कथा श्रवण की और जाकर के छुप गया वो शुक वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ। भगवान शिव ढूंढते ढूंढते गए, अब देखा कि इस घर में शुक उड़ते उड़ते गया है, तो वेद व्यास जी के दरवाजे खटखटाया और बोले, महाराज आपके घर में हमारा चोर छुपा हुआ है। तो भगवान शिव कहते, महाराज हमारे चोर को अपने घर से बाहर निकालो। वेद व्यास जी कहते, अरे महाराज आपके यहाँ किस बात की चोरी हो गई? अरे आप जहाँ रहते हो ना तो वहां कोई घर है, ना कोई सोना चांदी, वहां से कोई चुराने क्या जाएगा? तो बोले, अरे नहीं नहीं, उसने किसी वस्तु को नहीं चुराया, उसने अमर कथा का पान चुपके से किया है, इसलिए हमारा चोर आपके घर में छुपा हुआ। तो इस तरह से प्रार्थना करते हैं। यहाँ कुछ संतों का मानना है कि आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के माध्यम से भगवान शिव को पता चलता है कि ये और कोई नहीं भगवान के अंशावतार हैं, श्री शुकदेव मुनि हैं। आकाशवाणी के माध्यम से भगवान शिव को पता चला तो अपने उस क्रोध को वहीं त्याग करके भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत वापस चले जाते हैं। इधर जो शुक वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में चला गया, कहते हैं कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, 10 महीने लगा लो, 11-12 लगा लो, लेकिन ये सबसे अद्भुत बालक ये शुकदेव मुनि 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। 12 वर्षों तक वेद व्यास ने बहुत आग्रह किया, बेटा गर्भ से बाहर निकल आओ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बोले, अगर मैं गर्भ से बाहर निकल गया तो मोह माया मुझे अपने में जकड़ लेगी, इसीलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। अंत में कुछ संतों का मानना है कि भगवान स्वयं आते हैं और कुछ का मानना है कि भगवान ने आकाशवाणी की और शुक को उपदेश दिया कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा, इसीलिए तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। तो 12 वर्ष के बाद श्री शुकदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। इस तरह शुकदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। तो श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं कि किस तरह से श्री शुकदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। अब जो कथा श्रवण कराएंगे यानी श्री शुकदेव जी महाराज, उनका तो प्राकट्य हो चुका, और जो कथा श्रवण करेंगे श्री परीक्षित जी महाराज, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, आइए एक नजर उसके ऊपर भी डालते हुए। इस तरह श्री सूत जी महाराज अंशावतार की कथा सुनाते हैं और बताते हैं ऋषियों कि जब जब धर्म खतरे में पड़ता है, जब जब लोगों की मति भ्रमित होती है, तब तब भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्र धैनु सुर संत हित लेनु मनुज अवतार। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों ना हो या लीलाओं को रचने वाले भगवान श्री कृष्ण क्यों ना हो, जब जब धरती माता खतरे में पड़ी, जब जब साधु संतों को आपत्ति या कष्ट सहन करना पड़ा, जब जब लोग धर्म के विपरीत हो गए, तब तब भगवान ने किसी ना किसी रूप में अवतार अवश्य लिया है। इसके आगे श्री सूत जी महाराज
ऋषियों को कहते हैं कि एक बार नारद जी घूमते घूमते श्री वेद व्यास जी के आश्रम में गए और व्यास जी के आश्रम में जब गए तो देखा कि आज व्यास जी महाराज उदास बैठे हुए हैं। नारद जी ने पूछा, महाराज उदासी का कारण बताइए। व्यास जी कहते हैं, बोले महाराज मैंने 17 पुराणों की रचना की लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरा मन अशांत रहता है। तो नारद जी कहते हैं, बोले महाराज आपने 17 पुराणों की रचना तो की लेकिन आपने किसी ऐसे पुराण की रचना नहीं की जिस पुराण के अंदर मेरे बाल कृष्ण की लीलाएं हैं। भगवान ने जो लीलाएं की उन लीलाओं का व्याख्यान जिस पुराण के अंदर हो। मुझे लगता है कि आपके मन को शांति तब मिलेगी जब आप किसी ऐसे पुराण की रचना करेंगे। तो यहाँ व्यास जी महाराज कहते हैं, बोले अच्छा नारद जी, आपके हाथ में जो ये वीणा है, ये वीणा किसने दिया? तो नारद जी यहाँ अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। नारद जी कहते हैं, बोले महाराज देव दत्ताम विमान वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूरज पित्वा हरि कथा गा संतों के आश्रम में जाती थी, गायों की बहुत सेवा करती थी। एक रोज चातुर्मास के लिए कुछ संत इकट्ठा हुए, संत मंडली आई और एक नगर में रुकी। हमारी माँ संतों के वहां जाती और संत जो उपदेश देते उन उपदेशों को श्रवण करती और संतों के आश्रम में जाके उनको खाना परोसना, उनके आश्रम की सफाई करना आदि का काम करती। तो कई बार माताएं जो सत्संग में जाती हैं तो अपने बच्चों को भी लेके आती है, लेके आती हैं, लेके आती हैं। तो वैसे ही नारद जी को मैया लेके जाती है। अब आपका तो पता ही नहीं चलता हाँ बोल रही हो कि ना बोल रही हो। वैसे ही नारद जी को लेके जाती बेटा चल। तो नारद जी बोले, महाराज जैसे हम अपनी मैया के साथ जाते थे और इसीलिए मैंने कल भी बोला था कि कथा में जब भी माताएं आए तो अपने अपने छोटे छोटे बाल गोपाल को अवश्य लेके। अब नारद जी बोले, हम ऐसे जब जाते थे तो सत्संग में हमें पता चला कि जगत में कोई किसी का नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा जगी सो निहारा। ये संसार एक सपने के समान है। मोह निशा जगी सो Oh,
निहारा और देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार में आने के बाद जीव अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, ऐसे ऐसे सपने देखता है जबकि क्षण भर का भरोसा नहीं। व्यास जी को नारद जी कहते हैं, सत्संग में जाने के पश्चात पता चला कि जो भी रिश्ते हैं जगत में सिर्फ एक मोह के धागे से बंधे हुए हैं। और जब मैंने ये जाना तो उसी समय निश्चय कर लिया कि अब तो संतों के साथ ही चला जाऊंगा, अब माँ का साथ छोड़ देता हूँ। अब संतों को बोल दिया, महाराज हम आज के बाद आपकी सेवा में रहेंगे। अब ये बात जब नारद जी की माँ को पता चली, हे व्यास जी जब हमारी मैया को पता चली तो मैया संत जी के चरणों में विनम्र निवेदन करने लगी, महाराज मेरा तो इकलौता बेटा है और अगर ये आपके साथ चला गया तो मेरे बुढ़ापे का सहारा चला जाएगा, फिर मेरी सेवा कौन करेगा। अब जब मैया ने इस तरह से विनती की तो संतों को लगा कि अभी इस बच्चे को थोड़ा और समय अपनी माँ के साथ रहना चाहिए, हमें वहीं छोड़ के चले गए और कहा बेटा अपने माँ की सेवा करो। आज कलयुग में घर घर में भगवान नहीं आ सकते तो इसीलिए भगवान ने हर घर में माँ और पिताजी को भेजा ताकि भगवान के स्वरूप का दर्शन हो सके और बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए मेरे भारत देश का कि जिस भारत देश के अंदर राम जैसा बेटा पैदा होता हो, जिस भारत देश के अंदर कृष्ण जैसा पुत्र अवतरित होता हो, उस भारत देश के अंदर आज ये दुर्दशा हो गई कि एक बेटा अपने माता पिता की सेवा तो करता ही नहीं बल्कि माता पिता का बुजुर्ग अवस्था में घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, वे यहाँ जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करती हैं सुबह शाम, हैं? नहीं नहीं। कितने ऐसे भक्त हैं जो अपने माँ बाप जी के चरण स्पर्श करते हैं? आप तो पूरी तरक्की पे हो। ये है मेरे भारत देश की हालत। गुरुजी के चरणों में 24-24 घंटे निकाल सकते हैं लेकिन चार पाई पे एक बूढ़ी माँ बैठी एक गिलास पानी के लिए बेटा एक गिलास पानी तक नहीं दे सकता। ये दुर्भाग्य हमारे भारत देश का। जिस भारत देश के अंदर बेटा अपनी माँ के एक वचन पर 14 वर्ष वनवास के लिए चला जाता हो, आज उस भारत देश के अंदर चार चार बेटों से एक एक माँ को भोजन तक नहीं खिलाया जाता। और दूसरा, बेटे का जब विवाह हो जाता है तो घर में जो घर की लक्ष्मी आती है वो अलग ही टोन में रहती है। वो आते ही अपना चूल्हा चौका और ऊपर से माता शिक्षा देती रहती है, बेटी अगर तेरी सास कुछ भी कहे तो ये ले फोन और साथ के साथ फोन कर देना, वहीं मिलेंगे। ये मेरे भारत देश की परंपरा नहीं थी, ये हमारे भारत देश के अंदर माताएं शिक्षा नहीं देती थी। जब भी बेटी का विवाह होता था तो बेटियां जब विदा होती थी तो बेटियों के आंखों में आंसू होते थे। और आज आजकल तो आपको मालूम ही है क्या हो रहा है। तो इस भारत देश के अंदर हमारी जो भारत की माताएं हैं, जो भारत के बुजुर्ग हैं, जो भारत का भविष्य हैं, ये बातें मैं इसलिए आप सभी को बता रही हूँ कि आज हमारे भारत देश के अंदर एक ऐसी घटना हुई। ये भारत देश वो महान भारत देश है जिस भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे बेटे हुए, ऐसे ऐसे पुत्र हुए, ऐसे ऐसे वीर बलिदानी बेटे हुए जिन्होंने अपनी माँ के लिए सर्वस्व न्योछावर किया। दूसरा, ऐसे ऐसे पुत्र हुए जिन्होंने माँ भारती के चरणों में खुद को समर्पित किया।
ना जाने किस माँ की कोख से बेटा रामचंद्र जैसा बेटा पैदा हो जाए, ना जाने किस माँ की कोख से भगवान श्री कृष्ण बेटा पैदा हो जाए, ना जाने किस माँ की कोख से वीर भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो जाए। आप सभी ने सुना कि 14 फरवरी को हमारे भारत देश के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी जहां हमारे भारत देश के अंदर माँ भारती ने अपने 44 बेटों की कुर्बानी दी थी। और आज एक ऐसी घटना हुई कि हमारे भारत देश के वीर जवानों ने, भारत देश के बेटों ने दुश्मन के घर के अंदर घुस के उसके 300 आतंकवादियों को मारा। ये हमारे भारत देश की पावर है। और हम सबका एक भारतवासी, एक इंडियन होने का कर्तव्य भी बनता है कि उन माताओं के वीर सपूतों को जिन्होंने अपनी जान को हथेली पे रखा और हम जैसे लोगों को प्रोटेक्शन दी, उन लोगों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि उस भारत देश के अंदर, जिस भारत देश के लिए उन्होंने अपने शीश को हथेली पे रखा, कुछ नेता कहते हैं, किसी कवि ने दो लाइनें लिखी और कहा, उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो हमारी सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं। इस भारत देश के अंदर कि आओ झुककर सलाम करें, कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, वतन के काम आता है। ये भारत देश के अंदर आज हम स्वतंत्र हैं, आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस आजादी के पीछे ना जाने कितनी माओं ने अपने बेटों की कुर्बानी दे दी, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानी दे दी, कितनी पतियों पत्नियों ने अपने सुहाग को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। आजादी ऐसे ही नहीं मिली, लेकिन फिर भी आज जिन बेटों ने दुश्मन के घर में जाके एक दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की, ये उस महान देश के वीर जाबाज हैं जिस भारत देश के अंदर महाराणा प्रताप जैसे बेटे हुए, जिस भारत देश के अंदर सरदार पटेल जैसे बेटे हुए। उस भारत देश के वासियों को हम बार बार नमन करते हैं। हमारा फर्ज भी बनता है, कैसा देश है हमारा, कैसा मुल्क है हमारा, कैसा हमारी संस्कृति थी और कैसे हमारे भारत देश के अंदर बेटे थे। आप सभी ने ये देशभक्ति गीत सुना होगा, मिलकर के गुनगुनाइए उन वीर जाबाजों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए आज इतना बड़ा कदम उठाया, अपने शौर्य अपने साहस का परचम लहराया। आइएगा मेरे साथ मिलकर के गाइएगा। की धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। कैसा देश, जिस देश के बेटे कहते हो कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और सदियों की कुर्बानी को यूं गुलाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक गर्म लहू की एक बूंद है सीने में, हम कसम खाते हैं कि भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। गर्व होता है कि हाँ हम सभी हिंदुस्तानी हैं। एक बार भारत माता की जय घोष करें और हर उस भारतीय के जुनून को जगाएं जिसकी रगों में खून सोया हुआ है। बोलिए भारत माता की जय, गाइएगा भाव के साथ। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए,
था कि कुछ तो खास होगा मेरी वतन की मिट्टी में, कुछ तो खास होगा मेरे इस वतन की मिट्टी में, क्योंकि सरहदें कूद कर आते हैं लोग इस मिट्टी में दफन होने के लिए, तो कुछ तो खास होगा। गेहूं के खेतों में, गेहूं क्योंकि कहा मेरे देश में